हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज स्वच्छंद तंत्र के पार्ट टू वीडियो के साथ उपस्थिति दे रहा हूं। दोस्तों, कल अपन ने लाइव क्लास में पार्ट फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, तो देखिए आज के सेशन की शुरुआत में एक अच्छे क्वार से कर लेता हूं कि कौन कहता है बादलों में छेद नहीं होता, कौन कहता है बादलों में छेद नहीं होता। थोड़ा तबीज से पत्थर उठा कर तो देखो, थोड़ा तबीज से पत्थर उठा कर तो देखो। तो देखिए दोस्तों, आप बिना देरी के आई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल अपन ने जो स्वच्छंद तंत्र पढ़ा था दोस्तों, वहां स्वच्छंद तंत्र के बारे में मैंने बताया था कि स्वच्छंद तंत्र के जो कार्य प्रणाली होती है वो तीन स्टेप में होती है। एक तो होता है ऊपरी स्वच्छंद तंत्र, और एक होता है निचला स्वच्छंद तंत्र, और एक होती है स्वच्छनी मांसपेशियां। यानी अपन के स्वच्छंद तंत्र में एक तो ऊपरी स्वच्छंद तंत्र, जो श्वास नली के ऊपर ऊपर वाला भाग था, कल अपन ने पढ़ा था दोस्तों, ये ग्रसनी पड़ी थी, स्वरयंत्र लैरिंग्स पड़े थे, नासिका पड़ी थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा आज पार्ट पढ़ेंगे अपन निचला स्वच्छंद तंत्र, यानी निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। तो एक होता है आपका श्वास नली, दूसरा होता है स्वच्छनी, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोंकाई, और तीस और इसके साथ एक होती है स्वच्छनिका, ठीक है, इसको तीन नंबर डाल दीजिए भले, स्वच्छनिका जिसको ब्रोंकियल बोलते हैं, चार नंबर बोलते हैं फेफड़े, ठीक है। ये होता है निचला स्वच्छंद तंत्र के पार्ट जो आपके सामने चित्र में दे रखा है। देखिए चित्र वही है जो कल था, क्योंकि कल अपन ने यहां तक पार्ट पढ़ा था, इसका आगे वाला सारा मटेरियल वो आज अपने इस क्लास में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक स्वच्छनी मांसपेशियां होती है, मतलब मांसपेशियों की भी हमारे स्वच्छंद में भूमिका होती है, तो वो भी अपन इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं श्वास नली, क्या ले रहा हूं, निचले स्वच्छंद तंत्र का पहला पार्ट है श्वास नली, क्या है श्वास नली। देखिए आपके निचले स्वच्छंद तंत्र वाले सारे अंग इंपोर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए श्वास नली, तो यहां पर आप श्वास नली में पॉइंट लिखोगे, इसकी लंबाई होती है लगभग, इसकी लंबाई लगभग 5 इंच होती है, कितनी होती है 5 इंच होती है, ठीक है। आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो श्वास नली की लंबाई होती है 5 इंच होती है, ठीक है। इसके अलावा ये सी आकार के रेखित छल्लों से जुड़ी रहती है, सी आकार के रेखित छल्ले नुमी संरचना से जुड़ी रहती है। आप ये देख रहे हो सी आकार के जो छल्ले है, इससे ये क्या रहती है, जुड़ी रहती है। देखिए चित्र देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए सी आकार के जो छल्ले दिखाई देते हैं, इसी से श्वास नली का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि ऐसे सी आकार के छल्ले क्यों है भाई, ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी कि सी आकार के छल्ले होते हैं। तो ये सी आकार के छल्ले है, ये क्या करते हैं, इसको आपस में पिचकने से रोकते हैं, क्या करते हैं, आपस में पिचकने से रोकते हैं, ठीक है, आपस में पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि ये कूट स्त्री पक्ष्माभ सी आकार के रेखित छल्लों से निर्मित होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक उपकला उत्तक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, उपकला उत्तक। देखिए आप उत्तकों के बारे में परिचित होंगे, ठीक है, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, उत्तक मिलकर अंग, और अंग से क्या होता है, तंत्र का निर्माण होता है, और कई प्रकार के जब तंत्र मिलते हैं तो मानव शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ उपकला उत्तक में क्या होता है, श्लेष्मा का स्राव होता है, क्या होता है, श्लेष्मा का स्राव होता है। कल मैंने बताया था कि सर्दी वगैरह ऋतु में क्या होता है, हमारे नासिका में एक सीमेंसिस ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई प्रकार की श्लेष्माएं निकलती है, और कोई अगर जीवाणु या विषाणु वायरस भी संक्रमण कर देता है तो भी क्या होता है कि श्लेष्मा बहुत ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, श्लेष्मा का निर्माण होता है। श्लेष्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, चिकना द्रव होता है, जो कहाँ पाया जाता है, यहाँ इसके मध्य पाया जाता है। होता है क्या, जब भी यहाँ से मान लो वायु क्या होती है, यहाँ तक आती है, तो अगर बाईसांस दुर्भाग्यवंश वायु में कई प्रकार के अगर सूक्ष्म जीव है, या धूल के कण है, धुएं के कण है, पराग कण है, तो क्या करेगी, ये रोक लेगी, और वायु कैसे प्रवेश करेगी, वायु यहाँ शुद्ध रूप में प्रवेश करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए अपन का आगे वाला टॉपिक क्या रहेगा, श्वास नली यहां कंप्लीट है, इतना ही ध्यान रखना आपको, ज्यादा यहां माजरा आपको नहीं करना, ठीक है। श्वास नली के बाद आती है स्वच्छनी, क्या आती है, स्वच्छनी, ठीक है, स्वच्छनी, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो श्वास नली खत्म हुई है, इसके आगे देखिए ये दाएं और बाएं भाग में विभक्त हो जाती है, ठीक
ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो श्वास नली आगे जाकर, श्वास नली आगे जाकर दाएं व बाएं भाग में, दाएं व बाएं भाग में, दाएं व बाएं भाग में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है, हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्वचनी बोलते हैं, जिसे स्वचनी कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो ये दायां भाग यहाँ पर अलग हो गया फेफड़ों में, और ये बायां भाग भी क्या हो गया फेफड़ों में जाके अलग हो गया। यहाँ आप चित्र का नामांकन देख रहे हो दोस्तों, ये स्वचनी है, क्या है, ये स्वचनी है। देखिए दायां भाग आगे होकर कहाँ जा रहा है, ये स्वचनी में जा रहा है। तो ये क्या है कि श्वास नली आगे जाकर दाएं और बाएं भाग में विभक्त हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्वचनी बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखिए स्वचनी के बाद यहाँ स्वचनी का भी साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्वचनी का क्या होती है, तो देखिए स्वचनी का, ठीक है, तो देखिए यहां पर आप लिख सकते हो कि कई प्रकार की स्वचनी, ठीक है, कई प्रकार की स्वचनी, कई प्रकार की स्वचनी आगे जाकर, ठीक है, आगे जाकर अलग अलग स्वचनी का में बढ़ जाती। देखिए आप ये चित्र देख रहे हो, ये तो क्या है, स्वचनी है, ये क्या है, स्वचनी, और ये स्वचनी आगे जाकर कई प्रकार की स्वचनिका में विभक्त हो जाती है, और स्वचनिका के अंतिम स्वर पर क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है। क्या ये जो आप देख रहे हो इस टाइप से, ये होती है कुपिकाएं, और कुपिकाएं करती क्या है, गैसों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है, क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। तो ज्यादा रट्टा फिक्सन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर स्वचनी में लिखना पड़े तो आप यही ध्यान रखोगे कि श्वास नली आगे जाकर दाएं व बाएं भाग में विभक्त हो जाती है, जिसे तो बोलते हैं स्वचनी, और जो प्राथमिक स्वचनी है आगे जाकर द्वितीयक स्वचनी में, द्वितीयक स्वचनी आगे जाकर तृतीयक स्वचनी में बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब प्राथमिक जो स्वचनी है वो आगे जाकर द्वितीयक में, और द्वितीयक आगे जाकर तृतीयक स्वचनी में बढ़ जाएगी। मतलब जो यहां से संरचना निकलेगी, जैसे मान लो ये प्राथमिक स्वचनी निकली, यहाँ से क्या होगी, ये द्वितीयक स्वचनी निकल गई, ठीक है, द्वितीयक से आगे तृतीयक निकल गई, इस प्रकार से क्या होगा, पेड़ टाइप की संरचना बनेगी। ठीक है, पेड़ टाइप की क्या बनेगी, संरचना बनेगी, जिसे बोलते हैं स्वचनी का। ये तो थे हमारा स्वचनी का, अब है स्वचनी का, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, एक स्वचनी है और एक स्वचनी का है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो कि विभिन्न प्रकार की स्वचनी, विभिन्न प्रकार की स्वचनी आगे जाकर एक पेड़ नुमा संरचना बनाती, एक पेड़ नुमा क्या बनाती है, संरचना बनाती है, और उस पेड़ नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, स्वचनिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वचनिका बोलते हैं। और अंत में ये जो स्वचनिकाएं हैं, स्वचनिकाओं के अंतिम सिरों पर, स्वचनिकाओं के अंतिम सिरों पर क्या पाया जाता है, स्वचनिकाओं के अंतिम सिरों पर ये जो गांठे नुमी संरचनाएं पाई जाती है, इसको बोलते हैं कुपिकाएं, क्या बोलते हैं, कुपिकाएं। भाई जिस प्रकार पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है, उस पेड़ पौधे की पत्ती में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यहाँ कई प्रकार की असंख्य क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है, और इसी कुपिकाओं में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब यहाँ O2 और CO2 का क्या होता है, विनिमय होता है, या कह सकते हैं आदान प्रदान होता है। ये सारा का सारा माजरा था स्वचनी और स्वचनिका का। अब देखिए यहाँ लास्ट एंड फाइनल चीज है, जो सबसे बेस्ट चीज है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना प्राय रहती है, फेफड़ों की, किसकी विद्यार्थियों, फेफड़ों की। तो देखिए फेफड़े क्या होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। टॉपिक रहेगा अगला फेफड़े, ठीक है। अब देखिए इनकी संख्या होती है एक जोड़ी, कितनी होती है, एक जोड़ी, मतलब इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। और ये डायाफ्राम के ऊपर, मध्यपट के ऊपर स्थित होते हैं, तो इनकी संख्या हो गई, स्थिति कहाँ स्थित हो, स्थिति कहाँ है, ये जो मध्यपट है, आपकी जो वक्ष गुहा है, मतलब छाती है, तो छाती से जस्ट थोड़े से ऊपर की साइड में फेफड़े स्थित होते हैं। तो यहाँ कह सकते हो मध्यपट के ऊपर, मध्यपट के ऊपरी और, ठीक है, या कह सकते हो वक्ष स्थल से ऊपर, वक्ष स्थल बोलते हैं छाती को, छीने को, ठीक है, छाती से ऊपरी और स्थित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, और इनका रंग होता है हल्का गुलाबी। कैसा रंग होता है, हल्का गुलाबी इसका क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। तीन चीजें यहाँ क्लियर हो रही है, एक तो फेफड़ों की संख्या दो होती है, स्थिति मध्यपट के ऊपर की और वक्ष स्थल में स्थित होते हैं, इसका रंग होता है हल्का गुलाबी, देख रहे हो आप ये चीज,
ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ से इस चित्र को यहाँ देखिए, ये भाग दायां है ठीक है, और ये भाग क्या है बायां है, लेकिन आप सामने से देखोगे तो ये दायां और ये कौन सा है बायां है ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बायां भाग है वो क्या होता है बड़ा होता है ठीक है, मतलब बायां फेफड़ा आकार में क्या होता है बड़ा होता है। ऐसे ही मैंने नहीं बनाया चित्र में एक बड़ा छोटा ठीक है, आप सोचोगे एक छोटा बना दिया बड़ा बना दिया, ये वास्तव में क्या होता है आकार में बड़ा होता है। तो बायां फेफड़ा क्या होता है लंबाई में तो क्या होता है बड़ा होता है, लंबाई में क्या होता है बड़ा, लेकिन चौड़ाई में क्या होता है छोटा होता है ठीक। इसी प्रकार जो ये दायां फेफड़ा है ठीक है, ये जो दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़े की लंबाई अपेक्षाकृत इससे क्या होती है कम होती है, तो लंबाई में तो क्या होगा छोटा, लेकिन चौड़ाई क्या होगी इसकी बड़ी होगी, भले या नहीं बड़ी हो लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है ठीक है। तो देखिए एक जोड़ी इनकी संख्या दो होती है, स्थिति ये मध्य पट है, ये मध्य पट मतलब वक्ष स्थल है, इससे ऊपर स्थित होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है ठीक है। इसके अलावा लंबाई में जो बायां फेफड़ा है ये तो क्या होगा बड़ा होगा, और चौड़ाई इसकी क्या होगी कम होगी, और दायां फेफड़ा लंबाई में छोटा होगा चौड़ाई इसकी क्या होगी बड़ी होगी। ये तो एक इतनी चीज थी ठीक है। इसके बाद देखिए ये बहुत ही कोमल और नरम अंग होता है, कौन कैसा अंग है भाई, ये बहुत ही नरम है ठीक है और कोमल अंग है ठीक है, मतलब ये स्पंज टाइप का होता है, कैसा होता है स्पंज टाइप का, आपने स्पंज देखा होगा ठीक है। स्पंज मतलब आपके घर में भी अगर बर्तन धोए जाते हैं तो उसको स्पंज बोला जाता है, वो बहुत नरम होता है फॉर्म टाइम का। तो इसी प्रकार से आपके जो ये फेफड़े हैं वो भी क्या होते हैं नरम होते हैं ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें पाया क्या जाता है, तो इसका निर्माण किसका फेफड़ों के निर्माण, मतलब फेफड़ों में क्या क्या पाया जाता है, तो कई प्रकार की श्वास नलियां, कई प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है श्वास नली, इसके अलावा इसमें स्वच्छनी पाई जाती है, इसके अलावा इसमें स्वच्छ निकायें पाई जाती है ठीक है, इसके अलावा इसमें कई प्रकार की कुपिकाएं पाई जाती है ठीक है, इसके अलावा इसमें इसकी कोशिकाओं में जो कुपिकाओं की संख्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है ठीक है, कोशिकाओं में कुपिकाओं की संख्या क्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है ठीक है, मतलब कई प्रकार की लाखों कुपिकाएं पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये फेफड़े समझ में आ गए होंगे ठीक है, अगर ये समझ में आ गए है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है। अब देखिए ये दो जो चीजें थी ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र, ये सारे के सारे मैंने अंग आपको समझा दिए ठीक है। एक बार सरसरी दृष्टि से देखो तो यहाँ पूरा बात करो, नासिका से जो श्वास है वो आता है ग्रस्थि से, ग्रस्थि से आता है स्वर यंत्र लैरिंग्स में ठीक है, और इस लैरिंग्स का आकार भी क्या होता है गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग होता है, तभी तो क्या होता है कि लड़के की आवाज क्या होती है पतली होती है कोयल जैसी होती है ठीक है, किसी किसी तो गंजर जैसी भी होती है ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बॉयज की आवाज अपेक्षाकृत भारी होती है, और श्वास नली देखिए सी आकार के छल्ले है आगे जाकर विभक्त हो जाते हैं ठीक है श्वसनी में, और श्वसनी आगे श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है, श्वसनिकाओं के अंतिम स्तर पर क्या पाई जाती है कुपिकाएं पाई जाती है, कुपिकाओं में क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब यहां से क्या होता है कि O2 युक्त जो गैस है अंदर आ जाती है, CO2 युक्त जो गैस है अशुद्ध गैस है वो वापस बाहर ले आई जाती है ठीक है। अब वापस कैसे जाती है तो नासिका द्वारा बाहर निकलती है, आपने भले अपने नाक पर अनुभव करके देखिए एक से तो क्या होगी लगभग ठंडी वायु अपेक्षाकृत जिसका टेम्परेचर बराबर होगा वो तो अंदर जाएगी, बाहर क्या होगा वहां पर गर्म वायु बाहर निकलेगी, आप अपनी नासिका के एक छिद्र पर अंगुली रख के देखिए वहां गर्म वायु बाहर आ रही है वो CO2 युक्त वायु है ध्यान रखना ठीक है। अब देखिए इसकी खास कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, इसको पूरे को क्या करते हैं रफ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए श्वसन में लास्ट अंतिम पार्ट है दोस्तों ठीक है, यहाँ आपका श्वसन में ऊपरी श्वसन तंत्र हो गया निचला श्वसन तंत्र हो गया, अब है श्वसनी मांसपेशियां, मांसपेशियों की क्या भूमिका है फिर ये कंप्लीट हो जाएगा श्वसनी मांसपेशियां ठीक है। तो यहां आपकी ग्लैंड बनती है कि मांसपेशियां भी श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मांसपेशियों की भी श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको क्या अपन डायाफ्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायाफ्राम या मध्यपट बोलते हैं ठीक है, छोटी क्लासों में प्राय ऐसे ही समझा दिया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप श्वास को ग्रहण करते हो तो जब आप क्या करते हो श्वास को ग्रहण करते हो तो क्या होता है कि आपका जो वक्ष स्थल है ऊपर आता, मतलब छाती क्या होती है ऊपर उठती है ठीक है। जब श्वास को ग्रहण किया जाता है तो डायफ्राम, डायफ्राम से तात्पर्य जो आपका वक्ष है छाती है
वो क्या होती है, ऊपर उठती है, और इस स्थिति में पेट क्या होता है, चपटा हो जाता है या अंदर चला जाता है। ठीक है, आप भले अनुभव करके देखिए, ऐसे जैसे भी आप श्वास को ग्रहण करोगे क्या होगा, ये मध्य पट है जो आपका चेस्ट है वो क्या होगा, ऊपर आएगा, और पेट क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्वच्छन में गैस को अंदर ले रहे हो, तो ये स्थिति होती है, मतलब आपकी छाती की भी ये भूमिका रहती है। इसके विपरीत जब आप श्वास को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे होते हो, तो डायाफ्राम यानी जो आपका वक्ष स्थल है वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, और आपका जो पेट है वो क्या होता है, बाहर की तरफ आता है, या कह सकते हैं वापिस प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार श्वसन में ऊपरी श्वसन के अंग भी भूमिका निभाते हैं, निचले श्वसन के अंग भी भूमिका निभाते हैं, और ये आपकी मांसपेशियों की भी भूमिका है। और श्वसन में एक विशेष प्रकार की मांसपेशी काम में आती है, ये कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा। श्वसन में एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों की भूमिका रहती है विद्यार्थियों, जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल पेशियां, इंटरकोस्टल मांसपेशी। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मांसपेशी, ये इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन के लिए, आज छोटा क्वेश्चन यहीं से टपकाया जाता है। ठीक है, तो श्वसन में जो मांसपेशी की भूमिका है उसको मुख्यतः क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मांसपेशी। ठीक है, तो विद्यार्थियों श्वसन तंत्र यहाँ कंप्लीट होता है। कल अपन नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम रहेगा अलग, वो जनन तंत्र रहेगा। तो वीडियो को इसको शेयर अवश्य कीजिए, आप पहली बार अगर चैनल पर विजिट करें तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय वंदे मातरम।